आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले में कोरोना के बढ़ते एक्टिव केसों की संख्या 2000 के पार होने के बाद उपचार के विकल्पों की तलाश शुरू कर दी गई है। शहर में 1000 ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था के लिए स्थानों को देखा गया है। इसके लिए कलेक्टर इलैया राजा टी ने स्वयं कई क्षेत्रों का भ्रमण किया और वस्तु स्थिति देखी। इस दौरान विधायक राजेंद्र शुक्ला भी पहुंचे और उन्होंने भी समाज के हर वर्ग की ओर से मदद कराए जाने का आश्वासन दिया है। संजय गांधी अस्पताल, जिला अस्पताल और निजी अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेड के अतिरिक्त 1000 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था के लिए पीटीएस छात्रावास और सिंधु भवन का निरीक्षण किया गया है। सीएम ने कलेक्टर के साथ बैठक में यह निर्देश जारी किया है कि अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था की जाए ताकि उपचार के अभाव में किसी भी प्रकार की मौत ना हो सके, जिसके चलते नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बताया गया है कि ऑक्सीजन यूनिट से सिलेंडर भरने का कार्य रीवा जिले के अस्पताल में प्रारंभ कराया गया है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी उपलब्ध हो रही है, जिससे कोरोना संक्रमितों की ऑक्सीजन की कमी के कारण सांसें न टूटें। भ्रमण के दौरान आयुक्त नगर निगम मृणाल मीरा, अपर कलेक्टर इला तिवारी सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। हम आपको बता दें कि इस दौरान संजय गांधी अस्पताल में भी वेंटिलेटर की व्यवस्था बढ़ाई गई है। प्रबंधन ने बताया कि हॉस्पिटल में 3 शिफ्ट में 30 डॉक्टर तथा सहयोगी मेडिकल स्टाफ नर्स तैनात किए गए हैं। ये निरीक्षण किया गया आपके द्वारा, क्या क्या चीज़ें देखने को मिली? मुख्यमंत्री जी का ऐसा निर्देश हुआ है कि रीवा में जो प्रकार का मरीजों की संख्या बढ़ रही है, 1000 बेड के ऑक्सीजन से युक्त 1000 बेड नए क्रिएट किए जाएँ, जिससे कि आने वाली किसी भी आपात स्थिति को हैंडल किया जा सके। तो 1000 बेड के लिए ही आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर लगभग 500 से 600 बेड तो पीटीएस के इस कैंपस में बन जाएंगे, जो इनके हॉस्टल हैं। इसके अलावा सिंधु भवन और जीडीसी में हॉस्टल में गुंजाइश है कि नहीं है, कई जगह जाके हम लोग उस 1000 बेड को पूरा करेंगे, जिससे कि संजय गांधी के 600 बेड, 100 बेड जिला अस्पताल में और बाकी विंध्या और रीवा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें 40-40 बेड आईसीयू बन के तैयार हैं ही। इसके अलावा 1000 बेड की हमारी तैयारी रहेगी, जो आने वाले किसी भी भविष्य में परेशानी आए उसके पहले उसका समाधान रीवा की जनता को उपलब्ध रहे। ऑक्सीजन को लेकर किस तरीके से? ऑक्सीजन के लिए आज एक अच्छी खबर ये है कि 5 जिला मुख्यालयों में जो ऑक्सीजन जनरेटर के ऑर्डर हुए हैं, जिसमें प्रतिदिन करीब 40 से 50 सिलेंडर बनने का प्लांट है, वो उसमें रीवा भी शामिल है। जो प्रयास था हम सभी का कि ऑक्सीजन जनरेटर यहाँ पे बने, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो करीब 100 विधायकों ने मिलकर कर ही दिया है, 30 आज आ रहा है और 70 कल तक आ जाएगा। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन जनरेटर और विंध्या और रीवा में भी प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल हैं उसमें 50 सिलेंडर वाला और 40 सिलेंडर वाले ऑक्सीजन जनरेटर 30 अप्रैल 1 मई तक पूरे हो जाएंगे, जिस पर काम चल रहा है। तो कुल मिला के सारे प्रयास इस प्रकार से हो रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी लोगों को न झेलनी पड़े। सर, ये प्लांट कहाँ पे बनाएंगे, ज़मीन क्या निर्धारित की गई है? जिला अस्पताल में कर लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी ज़मीन नहीं लगती। जिला अस्पताल में जितनी हमारी ज़मीन है अस्पताल के पीछे, हम उस जनरेटर को जैसे संजय गांधी के पीछे 2 टैंकर हमारे बन के वो जो स्टोरेज टैंक हैं, तो उसी प्रकार से जिला अस्पताल भी युक्त हो जाएगा ऑक्सीजन का। रेमडी सिविर इंजेक्शन के लिए किस तरीके और व्यवस्था क्या? कल हवाई जहाज़ से फिर से रेमडी सिविर इंजेक्शन आ रहे हैं और 2 दिन पहले प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों में जो मरीज हैं उनके लिए आए थे और सरकारी अस्पताल में जो भर्ती लोग हैं उनके लिए कल आ रहा है। तो कमी ना पड़े इसके लिए सारे प्रयास प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और ये सुविधाएं और ये जो इस विकट परिस्थिति में तमाम तरह की परेशानी जो एक साथ टूट पड़ी है उसके समाधान के लिए सरकारी स्तर पर जो कुछ भी प्रयास हो सकता हो रहा है। सर, काला बाजारी ना हो इसके लिए क्या मापदंड कैसे बचाएं? इसके लिए बहुत ही कड़ा दंड देने का प्रावधान है। यदि कोई करेगा तो अपने रिस्क पे करेगा और यदि फंसेगा तो फिर वो आसानी से छूट नहीं पाएगा।